जब भी कभी मीठा खाने का मन हो ना, कभी कभार अचानक से डिनर के बाद जब कभी मीठा खाने का मन हो जाता है ना, तो बिल्कुल इस तरीके की झटपट रेसिपी जो है आप बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेवई खीर की एक झटपट और टेस्टी रेसिपी। फ्रेंड्स, ये खीर इतनी टेस्टी बनती है और इतनी फटाफट बन जाती है कि आप इसको किसी भी फेस्टिवल्स पे या डिनर टाइम में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्टी सी खीर को बनाना। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति, कुक विद ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, सेवई खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ बिल्कुल जो बारीक वाली सेवई आती है ना, मैंने उनको यहाँ पे लिया है। आप बिल्कुल जब बनाए ना, तो इस तरीके से जो बारीक वाली सेवई आती है ना, वही वाली यहाँ पे ले। उससे टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा आता है। और ये थोड़ा बड़ी होती हैं, तो इनको आप हाथों से तोड़ कर इस तरीके से जो है थोड़ा छोटा कर लें। छोटा होने के बाद थोड़ा सा इनको रोस्ट करने में जो है आसानी रहती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इनको बिल्कुल क्रश कर लिया है। अब हम इनको जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, और पैन में अभी मैंने यहाँ पे कोई बटर या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं डायरेक्ट इनको ऐसे ही रोस्ट करने वाली हूँ। आप चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है आप देसी घी ऐड करें, उसके बाद इनको आप जो है रोस्ट कर लें। और मैंने जो ये सेवई ली है, ये रोस्टेड है, तो इसको बहुत ज़्यादा मुझे समय नहीं लगेगा रोस्ट करने में। तो लगभग मैं इनको बस 1 ही मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर इनको जो है हल्का रोस्ट कर लूँगी। आप अगर कच्ची वाली ले रहे हैं, तो आप उनको जो है थोड़ा सा मंदी आँच पर और अच्छे से इनको जो है रोस्ट कर लें। अब इसमें साथ ही में हम थोड़ा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 6 बादाम और 4 से 6 काजू लिए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे ली है किशमिश। तो ड्राई फ्रूट जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले, और सभी ड्राई फ्रूट्स को सेवई के साथ 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, ऐसा करने से खीर में जो टेस्ट है ना, वो और ज़्यादा अच्छा आता है, खीर का टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया है, अब हम इनको जो है निकाल देंगे। फिर से हमें फ्रेंड्स जो है सेम पैन लेना है। यहाँ पे मैंने देखिए वही वाला पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है दूध। तो यहाँ पे मैं 1 केजी दूध में बना रही हूँ। आप अपनी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्वांटिटी को फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दूध को ना बहुत अच्छे से बॉईल करना है। जब दूध में एक अच्छे से बॉईल आ जाए, तब हमें इसके अंदर सेवई ऐड करनी है। उससे पहले हमें सेवई को दूध के अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से हम चलाते हुए एक बॉईल आने तक का हम वेट करेंगे, जब दूध में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, दूध में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स और सेवई जो रोस्ट करके रखे थे, हमें अब जो है उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने जो है सेवई को और ड्राई फ्रूट्स को मिलाते हुए ऐड करना है, ताकि इनमें कोई गुठलियाँ ना बने। और बिल्कुल अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि गैस को बिल्कुल मीडियम करें, और अपने किसी भी काम में आप लग जाएं, इसको पकने दें, बिल्कुल मंदी आंच पे इसको जो है आप पकने दें। बीच बीच में आप जो है चलाते रहें। वैसे तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप इसको मंदी आँच पर ही पकने दें। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मलाई, तो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मलाई से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आता है, एक रिचनेस आ जाती है हमारी खीर के अंदर। तो आप ज़रूर ऐड करें, लगभग 2 चम्मच तो आप कम से कम ऐड करें ही। वैसे मेरा यहाँ पे फुल क्रीम दूध था, और मैंने जब ये मलाई ऐड कर दी ना, तो उससे सेवई की खीर में बहुत बढ़िया टेस्ट आया था। तो आप प्लीज़ मलाई जो है ज़रूर ऐड करें, और इसको चलाते हुए जो है आप गाढ़ा होने तक पका लें। अब सेवई जो है रोस्टेड है और बहुत बारीक वाली है, तो ऑब्वियसली उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस वेट करना है, तो सिर्फ इतना कि दूध और जो सेवई है वो बहुत अच्छे से आपस में बाइंड हो जाए। तो बिल्कुल अच्छे से आपको इसको उबालते हुए चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। आप देख रहे हैं खीर कितनी अच्छे से उबल रही है, और देखने से ये कितनी प्यारी लग रही है ना। अभी तो इसमें हमने मीठा भी ऐड नहीं किया, अब इसमें हम जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है शुगर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। 1 लीटर दूध के लिए आप 1 कप चीनी इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ना तो ये मीठा कम है और ना ही ये बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने लिए जो है आप बिल्कुल अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के इसमें जो है मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद में बस थोड़ी देर हमें पकाना है, कि जो चीनी ने अपना जो पानी रिलीज़ किया है, बस वो काफ़ी अच्छे से जो है खीर में मिल जाए। अब यहाँ पे मेरी खीर बन के बिल्कुल रेडी है, और कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपको भी जो है इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा आप जो है इसको पका कर गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में खीर जो है और गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए, खीर हमारी बन गई है, उसको सर्व कर लेते हैं। और लीजिए, मेरी तो डिनर टाइम की खीर बन के बिल्कुल रेडी है। और आप इस खीर को कब बना रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए प्लीज़ बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। बेल बटन को प्रेस करने से सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही आसान नेक्स्ट रेसिपी में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय।